औराला विकास खंड के भोगैचा गांव में है। यहां पर साफ सफाई को लेकर काफी शिकायत है और ये सामने आप देख सकते हैं कि नाली की स्थिति बहुत ही डैमेज है और यहां पर कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। उसी कड़ी में हम यहां गांव के हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, जानकारी लेंगे क्या दिक्कत है। आपको परिचय? हमारा नाम संजय पांडे, ग्राम भोगैचा, जिला आजमगढ़, थाना अरोला। ये हम प्रधान जी को, फूलचंद प्रधान हमारे गांव के हैं, उनको हम 4-5 दिन से सूचित कर रहे हैं कि साफ सफाई करवा दीजिए, इतना साला कचरा, मच्छर, डेंगू सब प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भेजता हूँ, हाँ भेजता हूँ, कभी दवा मारने के लिए बोला तो उनको पैसा दे देना, ठीक है पैसा भी दे दूंगा, उसके बाद भी वो आदमी को नहीं भेजे। ये कचरा कौन सा? ये कचरा मैं अपने हाथों से आज 5 दिन से साफ किया हूँ, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई थी, पूरा डेंगू मच्छर, आप सामने भी देख सकते हैं पूरा क्या हालात है। हम इधर का तो साफ करके ले लिए, लेकिन उनको बोला सफाई कर्मी को आप भेज दो कचरा उठा लें, वो नहीं भेज रहे हैं, रोज अबाई तबाई बतला रहे हैं, कल भेजूंगा कल भेजूंगा, 7 दिन हो गए। सफाई कर्मी गांव काम नहीं करते? नहीं करता है, नहीं करता, कभी नहीं आते। अरे हमसे नहीं, और हमारे दादाजी हैं, चाचा जी हैं, इनसे बात जानेंगे। का चाचा, का नाम है आपका? नाम तो राम कुमार है। सफाई कर्मी कभी गांव साफ करते हैं? कभो कभो दूसरे महीना या कब दूर पाता, थोड़ी आधे गांव कर देता, आधा गांव छोड़ देता है। नाली बहुत गंदी दिखाई दे रही, सफाई नहीं है। हाँ फिर मैं कभो फरुआ ना लगा, कोई फरुआ नहीं लगा। प्रधान कभी देखने नहीं आते हैं? अब प्रधान भेजने आना, कभी अठे सफाई कर्मी हो अवाला आधा गांव झाड़ के चल जाला, यहाँ रही बहना कर। सामने आप देखिए क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मियों को गांव की सफाई करने के लिए, जो कि महात्मा गांधी ने कहा था जब तक गांव स्वच्छ नहीं होगा तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो सकता, और इसी कड़ी में स्वच्छता मिशन अभियान अभी 2 अक्टूबर को चलाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खुद सफाई अभियान में लगे और लोगों को जागरूक किए सफाई करिए। लेकिन सरकार ने बड़े पैमाने पर सफाई कर्मी नियुक्त हैं, सफाई कर्मी इतनी बड़ी लापरवाही करते, किसी भी गाँव में जाइए तो वहाँ ये गंदगी का अंबार लगा है। प्रधान किस मोहब्बत में सफाई कर्मियों के पेरोल पर दस्तखत करके उनको तनख्वाह के लिए वेरीफाई कर देते हैं, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ब्लॉक के एडीओ पंचायत अगर महीने में 2-3 गांव का अगर दौरा कर लें और सफाई कर्मियों की कार को देख लें तो निश्चित रूप से ये गांव में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस समय डेंगू से हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं और परेशान हैं, और ये मच्छर जब तक गंदगी गांव में रहेगी तब तक मच्छर जाएंगे नहीं। लेकिन अधिकारी जो है ये सब इतनी गंदगी लगी हुई है, अब देखना यह है कि अहरावला ब्लॉक के अधिकारी और यहां के ग्राम प्रधान कितनी तत्परता के साथ गांव की सफाई करके लोगों को बीमारियों से मुक्त कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा।